हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं डी ब्लॉक में, जो हमारा ऑक्सीकरण अवस्था के बाद आता है और वो टॉपिक है हमारा धात्विक गुण या धात्विक प्रकृति का। अब देखो, सबसे पहले बात ये आती है कि जितने भी संक्रमण धातुएं हैं वो धात्विक प्रकृति की होती हैं, और हमें भी पता है कि संक्रमण धातु बोल रहे हैं, मतलब सबकी सब कैसी हैं, धातुएं हैं। पर धातु होने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इनके आयरन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। हम आयरन ऊर्जा को पहले भी पढ़ चुके हैं, बाकी मैं दोबारा उसको रिपीट करवा देती हूँ कि आयरन ऊर्जा का मान कम क्यों है। और आयरन ऊर्जा का मान कम होने के कारण ही संक्रमण धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? धात्विक गुण पाया जाता है, यानी कि धात्विक प्रकृति होती है। देखो कैसे, जैसे हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D5 4S2, यही होता है। इसके पहले हम नॉबल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सामान्य जो इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो हम शो करते हैं मैग्नीज के लिए, वो है। तो मैग्नीज के इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए यदि हम परमाणु संरचना बनाना चाहें तो कुछ इस तरह की बनती है। ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकेंड सेल हो गई, ये थर्ड सेल और ये हमारी फोर्थ सेल, ठीक है। तो अब थर्ड सेल में हमारे यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, और ये घूमते रहते हैं नाभिक के चारों, अपनी जगह पर भी और नाभिक के चारों तरफ भी ये घूमते रहते हैं, और अंदर के इलेक्ट्रॉन है ही 2 और 8, ठीक है। अब इसके बाद बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2। अब होता क्या है, इस आंतरिक सेल में यहाँ पे डी सीरीज है, 3D सीरीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ते जाते हैं? इस आंतरिक सीरीज में बढ़ते जाते हैं। तो सिर्फ इस आंतरिक सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण इस नाभिक के साथ इन इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बल तो प्रबल हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये अंदर की तरफ खिंच जाते हैं। जबकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, इनका इस नाभिक से आकर्षण बल क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, लूजली बाउंड है। तो ढीले बंधे हुए होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आसानी से बहुत कम एनर्जी में क्या हो जाते हैं? यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और बहुत कम ऊर्जा के मान में बाहर निकलने के कारण उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा बोलते हैं, जिसके अंदर वो क्या होते हैं? कम ऊर्जा में बाहर निकलते हैं। तो कम ऊर्जा के मान में बाहर निकलने के कारण इनके धात्विक गुण जो होते हैं वो ज़्यादा दर्शाए जाते हैं, आयनन ऊर्जा का मान कम होने के कारण, मतलब रीजन यहाँ से आ रहा है इनके इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो ये बात हो गई कि ये धात्विक गुण दर्शाते हैं, दर्शाते क्यों है? क्योंकि इनके आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, ठीक है। तो हमारी बात ये हो गई कि इनकी आयनन ऊर्जा का मान कम होने के कारण जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो क्या दर्शाती हैं? आपके धात्विक गुण दर्शाती हैं। तो देखो, हम इसको नोट कर लेते हैं कि संक्रमण तत्व में आयनन ऊर्जा के मान, संक्रमण तत्वों में आयनन ऊर्जा के मान कम होने के कारण ये धात्विक प्रकृति के होते हैं। तो हम इसके लिए हम बोल सकते हैं कि धातु के धात्विक गुण के पक्ष में प्रमाण, संक्रमण धातुओं के धात्विक गुण के पक्ष में प्रमाण। अब ये धात्विक गुण के पक्ष में प्रमाण की बात करते हैं तो मैं उसको सब जानते हैं, लोहा, आयरन, Fe, उसकी बात कर रही हूँ, लोहा, आयरन, Fe, ठीक है। तो पक्ष में प्रमाण में सबसे पहला प्रमाण हम ये मान सकते हैं कि अगर हम आयरन को
क्या आयरन के पास इलेक्ट्रिसिटी लेके जाते हैं, अगर किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो अगर उसके लास्ट सिरे में करंट आ रहा हो, फर्स्ट स्टार्टिंग वाले सिरे में करंट आ रहा हो तो उसके लास्ट सिरे में भी करंट फ्लो होता है। कहने का मतलब वो विद्युत चालकता दर्शाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि यदि हम लोहे का एक सिरा गर्म करें तो उसका एंडिंग सिरा भी गर्म हो जाता है। कहने का मतलब वो तापीय चालकता भी दर्शाता है। तो वो कौन सा गुण है उसका? धात्विक गुण है। ये गुण धात्विक गुण है कि वो विद्युत चालकता भी दर्शाए और तापीय चालकता भी दर्शाए। तो ये गुण हमारी धातुओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो पहला प्रमाण क्या हो गया? विद्युतीय चालकता एवं तापीय चालकता। दूसरी हम बात कर सकते हैं कठोरता की। धातुएं कठोर होती हैं, आयरन है, कॉपर है, टिन है, ये सारी की सारी धातुएं हैं, वो सारी की सारी कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, कठोर और तन्य। तो इनके द्वारा कठोरता और तन्यता का गुण भी दर्शाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? पीटने पे, बहुत ज्यादा पीटने पे समतल परत की तरह हो जाती है, मतलब उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीय मतलब चपटी हो जाती है। थर्ड गुण हम बोल सकते हैं वो कैसी होती है? आघात वर्धनीय होती है। हमारी धातुएं कैसी है? आघात वर्धनीय, मतलब उनका एक धात्विक गुण भी है, ये भी है कि वो कैसी होती है? आघात वर्धनीय होती है। तो ये धात्विक गुणों के पक्ष में कुछ प्रमाण थे जो इसके कारण आ रहे हैं, आयनन ऊर्जा के कारण आ रहे हैं। तो इस सबसे शो होता है, ये चीज शो होती है कि सभी संक्रमण तत्व है, सभी संक्रमण तत्व है धात्विक गुण, सभी संक्रमण तत्व है धात्विक गुण रखते हैं, सभी संक्रमण तत्व है धात्विक गुण रखते हैं, क्योंकि क्योंकि इनके द्वारा, क्योंकि इनके द्वारा आसानी से M प्लस या M2 प्लस आयनों का निर्माण कर लिया जाता है। और यह आसानी से क्यों होता है? क्योंकि इनका, इनकी आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, इसके कारण से आसानी से ही क्या कर लेते हैं? इनका निर्माण कर लेते हैं। और साथ ही इनके द्वारा एक निश्चित क्रिस्टल संरचना, निश्चित क्रिस्टल संरचनाएं कौन कौन सी? बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, सॉरी सीसीपी, एचसीपी, बीसीसी प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं बनाई जाती हैं। क्रिस्टल संरचनाएं बनाई जाती, इनका धात्विक गुण है कि जो भी धातुएं होती हैं उनकी एक फिक्स संरचना होती है। जैसे इनकी जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनके लिए हमारे पास फिक्स निश्चित जो कुछ संरचनाएं हैं, जो कॉमन निश्चित संरचनाएं हैं वो है बीसीसी। बीसीसी का मतलब है गाय केंद्रित निम्बिड संकुलन संरचना, सीसीपी मतलब घनीय केंद्रित निम्बिड संकुलन संरचना, और एचसीपी मतलब षटकोणीय निम्बिड संकुलित संरचना। इन संरचनाओं की बाकी बातें हम सॉलिड स्टेट में करेंगे। बाकी हमें यह ध्यान रखना है कि धातुओं के द्वारा क्या किया जाता है? फिक्स निश्चित क्रिस्टल संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, और वो संरचनाएं हमारी इन धातुओं के द्वारा भी बनाई जाती है। क्लियर है? तो ये हमारे धातु के पक्ष में प्रमाण हो गया, और ये धात्विक गुण क्यों रखते हैं उसका रीजन हो गया। ये हो गई हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं क्या? धात्विक गुण। अब धात्विक गुण के बाद नेक्स्ट डीप ब्लॉक के लिए प्रॉपर्टी आती है हमारी क्या? उत्प्रेरक गुण। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आती है उत्प्रेरक के गुण। तो चलो हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब उत्प्रेरक के गुण के लिए हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये उत्प्रेरक के गुण रखते क्यों हैं।
इसके भी कुछ कारण है, उत्प्रेरक के गुण रखने के भी। उसके जो मेनली कारण है वो दो है, एक तो ये कि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, संक्रमण धातुओं के पास क्या उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और दूसरा रीजन ये होता है कि इनके द्वारा क्या होती है, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाई जाती है। दोनों ही चीज हम पहले देख चुके हैं, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था तो हमने इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भी देखी थी और ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी हमें देख चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्प्रेरक के गुण, वो उत्प्रेरक के गुण इसीलिए दर्शाया जाता है कि ये क्या करते हैं, विविध ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं और बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उनके पास होते हैं। ठीक है, अब उत्प्रेरक के गुण दर्शाते हैं तो वो होते कैसे हैं, उत्प्रेरक के गुण कार्य कैसे करते हैं वो देखते हैं। क्या होता है, जनरली ये जो होते हैं वो किसी भी रिएक्टेंट के साथ जुड़े होते हैं, या फिर हम पहले ये बात करें कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक के गुण को समझने से पहले उत्प्रेरक के बारे में बात करें कि उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक वो होता है जो किसी अभिक्रिया की रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या उसके वेग को बढ़ा देता है। उस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया हो रही किसी ए कोई रिएक्टेंट है, अभिकारक है, ए कोई रिएक्टेंट है, अभिकारक है, ठीक है, तो उसकी अभिक्रिया हो रही है किसी B2 के साथ, मतलब BB के साथ। तो ये BB के साथ रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन होने पे ये बना रहा है क्या, AB। मान लिया प्रोडक्ट बना रहा है, उत्पाद बना रहा है क्या, AB। इसकी अभिक्रिया हो रही है AA की और ये B2 के साथ मिलकर क्या बना रहा है, AB बना रहा है। ठीक है, तो जब हमने कोई उत्प्रेरक काम में नहीं लिया है तो जनरली मान लिया इसकी रिएक्शन इस तरह से हुई और रिएक्शन होके क्या बन गया, AB बन। कहने का मतलब यहाँ AA और BB थे, रिएक्टेंट थे, अभिकारक थे, जो जुड़े आपस में, कैसे जुड़ रहे हैं, AB की फॉर्म में, मतलब मध्यवर्ती बना और मध्यवर्ती बनकर भी क्या बन गया, उत्पाद बन गया। और ये क्या होगी, इसकी सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, ये इसकी ईए या सक्रिय ऊर्जा होगी। ठीक, लेकिन जब हम इसमें क्या करेंगे, कोई उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं, मान लिया कोई भी धातु है वो उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे काम में ले ली गई, तो अब क्या होगा, सेकंड टाइम में ये जो उत्प्रेरक होगा वो इसके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। कहने का मतलब जो टाइम पहले कंज्यूम हो रहा था उससे कम टाइम में हमें अभिक्रिया से उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। और वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ की ये जो सक्रियण ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब इसके मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगा, इसके मान में कमी आ जाएगी। मैं कहने का मतलब उत्प्रेरक का एक निश्चित कार्य है और वो क्या है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करना है, या फिर हम जनरली सीधा इसके लिए बोलना चाहें तो वो क्या होगा कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना, जो किसका कार्य होता है, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का। मतलब उत्प्रेरक क्या कार्य कर रहा है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। यही गुण उत्प्रेरक के गुण किसमें पाया जाता है, संक्रमण धातुओं में। और वो क्यों पाया जाता है, वो रीजन मैं बता चुकी हूँ अभी अभी, क्या है रीजन, कि एक तो इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं और दूसरा क्या होता है कि ये विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अब देखो ऐसा इन दोनों के कारण हो कैसे रहा, प्रक्रिया कैसे होती है। मान लिया जैसे हमने अभी ये एक्टिवेशन एनर्जी कम करके देखी, तो वो कम कैसे हुई वो देखो। जैसे मान लिया हमारा कोई अभिकारक है H2, ठीक है, इसकी बॉन्डिंग H की फॉर्म में होती है और इसकी इसी के साथ अभिक्रिया करवानी है। अब ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो अब ये जो उत्प्रेरक होता है, मान लिया कोई भी उत्प्रेरक है, कोई भी धातु है, संक्रमण धातु उत्प्रेरक के रूप में है, वो क्या करती है, ये किसी और के साथ बॉन्डिंग करने वाला है तो उस टाइम पे उससे पहले ये इसके साथ बॉन्डिंग करने लग जाती है। ये जो धातु होगी वो इस यौगिक के साथ, अणु के साथ क्या करने लग जाएगी, बॉन्डिंग करने लग जाएगी। कैसे करेगी, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेगी H वाला और खुद क्या करेगी, इसके साथ बॉन्ड बना देगी। और कुछ इस तरह का बॉन्ड बनाने पर ये यौगिक कैसा हो जाएगा, एस।
ऐसा ही यौगिक हो जाएगा। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, विविध ऑक्सीकरण अवस्थाएं थी, तो ये खुद ही सहज एच के साथ जुड़ गया और कैसा बन गया, अस्थायी यौगिक बन गया। अब ये अस्थायी यौगिक स्थायित्व में आने के लिए फिर से खुद को क्या करता है, अलग करता है, अलग करता है, तो ये एच एच अलग हो जाते हैं और ये जो टूटे हुए एच एच होते हैं, मान लिया फ्री रेडिकल में मुक्त मूलक में, तो ये एच एच जो मुक्त मूलक के रूप में है वो क्या करता है, जो भी इसके साथ जुड़ने वाला होता है उसके साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ करके किसका निर्माण कर लेते हैं, उत्पाद का। कहने का मतलब पहले जितनी एनर्जी की आवश्यकता थी इनको तोड़ने के लिए, अब इसकी उपस्थिति के कारण, इस संक्रमण धातु की या फिर इस उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती तो ये क्या होते हैं, तोड़ करके, इनको तोड़ करके खुद को अलग हो जाते हैं और उस जो भी तत्व होता है उसको किसी और के साथ जुड़वा करके किसका निर्माण कर लेते हैं, प्रोडक्ट का या उत्पाद का। अब इसको थ्योरेटिकली देखते हैं, देखो क्या है, क्या लिखा है इसमें, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है। तो सबसे पहले उत्प्रेरक के गुण में हम देखते हैं कि सभी संक्रमण धातुएं क्या रखती है, उत्प्रेरक के गुण रखती है, सभी संक्रमण धातुएं, सभी संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक ये गुण रखती है। या उत्प्रेरक के गुण रखती है। अब ये संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के गुण क्यों दर्शाती हैं, इसका कारण कारण क्या है? नंबर एक कारण है कि संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। कारण क्या है, एक तो है विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, और दूसरा कारण क्या है, इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। संक्रमण तत्वों के पास, संक्रमण तत्वों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। संक्रमण तत्वों के पास क्या उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। संक्रमण धातुओं के इन्हीं गुणों के कारण, ये जो गुण हमने लिखे हैं, इन्हीं गुणों के कारण अभिकारक के साथ संक्रमण धातुओं के इन्हीं गुणों के साथ कारण अभिकारक के साथ बंधन कर धातुएं अस्थायी यौगिक का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है, अस्थायी यौगिक का निर्माण कर लेती है, अस्थायी यौगिक का निर्माण कर लेती है, जो विघटित होकर उत्पाद बना लेता है। विघटित होकर क्या कर लेता है, उत्पाद बना लेता है, ठीक है। अब ये उत्पाद बनाया है तो यहाँ पे होगा क्या, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी आती है,
बच्चा के मन में कमी आती है और अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। वेग या दर भी बोल सकते हैं इसको, वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्प्रेरक गुण। अब उत्प्रेरक गुण के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इसमें, जो हम बी ब्लॉक में भी पढ़ चुके हैं और उसमें वापस देखेंगे, जिसमें पहला एग्जांपल, ये नोट डाउन कर लेना, जिसमें पहला एग्जांपल आता है आपके संपर्क विधि का। संपर्क विधि मतलब कौन सी, सल्फ्यूरिक निर्माण विधि। बी ब्लॉक में हमने पढ़ी है, पहले पढ़ चुके हैं बी ब्लॉक में, संपर्क विधि, संस्पर्श विधि या सल्फ्यूरिक निर्माण की विधि। अब इस संपर्क विधि में क्या होगा, देखो संपर्क विधि में V2O5 यौगिक जो क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों से बना हुआ यौगिक है। ठीक है, V2O5 का यौगिक काम में लिया जाता है। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा ये, इसमें सल्फर डाई ऑक्साइड को हम सल्फर डाई ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, सल्फर डाई ऑक्साइड को V2O5 की उपस्थिति में रखा जाता है, मतलब ये उत्प्रेरक होता है और वहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन यदि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी तो काफी टाइम लग जाएगा, काफी सालों में ही अभिक्रिया कंप्लीट होगी। तो उसको कम करने के लिए यहाँ उत्प्रेरक के रूप में किसको काम में ले लिया जाता है, V2O5 को, जो क्या करता है, इसकी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है और सक्रियण ऊर्जा को कम करने पर इसको आसानी से किसके साथ जोड़ देता है, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से क्या बन जाती है, SO। अब ये होता कैसे है वो देखो, जो हमने दो पॉइंट देखे थे, विविध ऑक्सीकरण अवस्थाएं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, तो यहाँ पे वही आता है। देखो कैसे आता है, देखो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड V2O5 के साथ रिएक्ट करेगा और एक अस्थायी यौगिक बना लेगा, और इस अस्थायी यौगिक के फलस्वरूप यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, V2O5। मतलब ये अपनी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने की प्रकृति के कारण V2O5 से कन्वर्ट हो गया इसमें V2O4 में, और V2O4 में कन्वर्ट होने के कारण अब ये V2O4 अस्थाई है, अस्थाई बना रहा है, अस्थाई यौगिक बना रहा है। तो ये अस्थाई यौगिक क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है हमारी उसके साथ जुड़ करके वापस स्थायित्व में आ जाता है और क्या बना लेता है, V2O5 का यौगिक बना लेता है, मतलब वेनेडियम फिफ्थ ऑक्साइड में वापस से कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है बात, कहने का मतलब ये यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में ही कार्य कर रहा है, जैसा अभी कारक में हमने दिया था लास्ट में उत्पाद के रूप में भी वैसा ही प्राप्त हो जाता है। इसका इस अभिक्रिया में कोई रोल नहीं होता, सिर्फ ये रोल होता है कि ये सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है। कहने का मतलब SO2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर भी SO3 बना सकती थी, लेकिन इसको बनाने के लिए जहाँ कई साल लग रहे थे वहीं V2O5 की उपस्थिति में ये कुछ ही सेकंडों में कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह से हमारा दूसरा और सिंपल इसमें एग्जांपल आता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण, ये भी हम उत्प्रेरक के थ्रू ही करते हैं। और वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण के लिए जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो है निकल, और निकल हमारी संक्रमण धातु है। होता क्या है, जो वनस्पति तेल है वो एक अनसेचुरेटेड स्पीसीज होती है, अनसेचुरेटेड मतलब असंतृप्त यौगिक होता है। ठीक है, यह असंतृप्त यौगिक है, यहाँ द्विबंध उपस्थित है, तो ये जो असंतृप्त यौगिक है किसका, वनस्पति तेल, ये जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो काफी समय लग जाएगा इसको वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन यदि हम यहाँ पे निकल उत्प्रेरक डाल दें, उत्प्रेरक के रूप में किसको रख दें, निकल को, तो ये एक अस्थायी यौगिक बनाएगा, आसानी से इनके बंधों को तोड़ देगा और तोड़ करके इजीली क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है वो ये द्विबंध को तोड़ करके कहाँ जुड़ जाएगी, सी एच सी एच पे। कहने का मतलब यहाँ से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड यौगिक का निर्माण हो जाएगा, संतृप्त यौगिक का निर्माण हो जाएगा, जो संतृप्त यौगिक कौन सा होगा, हमारा वनस्पति घी का।
तो यहाँ पे इस अभिक्रिया को भी कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, उत्प्रेरक की, और वो उत्प्रेरक कौन सा है, हमारा संक्रमण धातु का। ठीक है, थर्ड हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हेबर विधि का, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। हेबर विधि में भी क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का निर्माण करती है, मतलब N2 और H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होकर के इसका निर्माण करेंगी अमोनिया का। ठीक है, अब ये अमोनिया तो बनती तो बगैर इसके उत्प्रेरक के भी है, लेकिन बनने में क्या लगता है, टाइम अत्यधिक लगता है, तो उसी समय को कम करने के लिए, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए, उसकी गति को बढ़ाने के लिए यहाँ उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। क्या, Fe, ये यहाँ पे उत्प्रेरक होता है, और इस उत्प्रेरक को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए एक चीज और काम में ली जाती है, जो होता है प्रमोटर। क्या काम में लिया जाता है, प्रोमोटर, और वो प्रोमोटर क्या होता है, मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीजें यहाँ पे काम में ली जाती है, एक तो आयरन और दूसरा मॉलिब्डेनम। क्लियर है, इसी के साथ हम एक एग्जांपल और देखते हैं जो इम्पोर्टेंटली हमारा बहुलक के लिए है, और उस एग्जांपल में है एथिन का बहुलकीकरण, वो भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। एथिन का बहुलकीकरण भी हमने यहाँ पे यौगिक भी देखे हैं, तत्व भी देखे हैं, सारे के सारे संक्रमण तत्व हैं या संक्रमण धातुओं के यौगिक हैं, तो इनमें चौथा जो आता है हमारा, वो आता है एथिन का बहुलकीकरण। किसका बहुलकीकरण, एथिन का बहुलकीकरण, मतलब पॉलीमराइजेशन है किसका, एथिन का। तो अब एथीन के पॉलीमराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, N मोल है जिसके। ठीक है, अब ये क्या होगी, जब भी जनरली इसको टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 की उपस्थिति में रखा जाएगा, ये यहाँ पे क्या हुआ, एज ए उत्प्रेरक काम में लेगा, तो ये एज उत्प्रेरक यहाँ पे रहेगा, तो ये इस एथीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉली एथीन में, मतलब हमारे पास पॉलीथीन मिल जाएगी, जिसकी उपस्थिति में आपके TiCl4 की उपस्थिति में, तो ये बहुलकीकरण में भी काफी उपयोगी होता है। कहने का मतलब जो भी हमारे यौगिक हैं वो उत्प्रेरक के रूप में काफी ज्यादा मात्रा में हमारे काम में आते हैं। ठीक है, अब देखो हम इसको वापस रिवाइंड कर लेते हैं, हमने पढ़ा क्या है, हमने पहले पढ़े हैं धात्विक गुण, और धात्विक गुण क्यों दर्शाते हैं ये, क्योंकि इनके आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, और उस आयनन ऊर्जा के मान की कमी के कारण ही ये जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब हम धातु की बात करें, उनके पक्ष में प्रमाण देखें तो वो होते हैं कठोरता, तन्यता, इनका उच्च गलनांक क्वथनांक भी मान सकते हैं, इनकी क्रिस्टल संरचना फिक्स होती है ये मान सकते हैं, ये सारे के सारे इनके पक्ष में प्रमाण होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे थे उत्प्रेरकीय गुणों की, तो उत्प्रेरकीय गुण क्या होते हैं, सबसे पहले हम उत्प्रेरक की बात करें, तो उत्प्रेरक क्या होता है, जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उसकी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, वो उत्प्रेरक कहलाता है, उस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, तो अब ये जो उत्प्रेरक है, वो उत्प्रेरक यहाँ पे क्या कार्य करेगा, जो हमारे ये यौगिक हैं उनसे हमें कुछ इंपॉर्टेंट, जो हमारी जनरल लाइफ में, जैसे हम मान सकते हैं पॉलीथीन काम में आती है, ये काम में आता है जनरल लाइफ में मान सकते हैं, या इंडस्ट्रियल उपयोग में मान सकते हैं, जैसे अमोनिया का निर्माण है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण है, इनके निर्माण में उपयोगी होता है। क्लियर है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रंगीन प्रवृत्ति, तो रंगीन प्रवृत्ति को हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जितना पढ़ाया है मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।